अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यश गान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सत्शह नमन। अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक इस जड़ शरीर को भिन्न कर लीजिए। अपने जीव में स्थित हो जाइए। बाहर का पुद्गलों का पिंड सिर से पांव के अंगूठे तक ये खोल हाड़ मांस रक्त के पिंड की खोल भिन्न है और मैं जीव भिन्न हूँ। इस आकार में निराकार का महत्व है। आकार में निराकार का महत्व है। अपने निराकार में स्थित हो जाइए। जो कुछ सुना पढ़ा लिखा सब भूल जाइए। आप मात्र एक जीव आत्मा हैं। अपने अस्तित्व में ठहर जाइए। गहरे गहरे मौन ध्यान स्वस्थिति में बने रहे। जो भीतर बाहर जो हो रहा है सब स्वीकार है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल दृष्टा भाव। जीव अपने स्वस्थिति में बना हुआ है। जड़ एक आसन में स्थिर है। गहरे गहरे शुक्ल ध्यान में अपने भीतर गहरे आकार में निराकार तत्व को महत्व दीजिए। मैं आत्मा मैं जीवात्मा ये सत्य है। त्रिकाल सत्य है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर जीव तत्व का एहसास कीजिए। जीव शब्द नहीं है, आत्मा शब्द नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है। सब कुछ इसमें समाया, जैसे बीज में वृक्ष समाया है, तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, तिजोरी में रतन है, ऐसे ही जब भीतर गहरे जाओगे वो सुख प्रकट होगा। वो सच्चा सुख तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति से संपन्न आत्मा जो दिखती नहीं, जो आकार के भीतर है, जिसका वजन नहीं, ऐ गुरु लघु निराकार, जिसका गुण है क्षायक समकत, और यही आत्मा जब मोह कर्म टूट जाएगा, घाती कर्म टूट जाएंगे, कैवल्य भीतर से प्रकट होगा। तीन लोकों को आप
प्रत्यक्ष देख पाओगे। आपने भीतर एहसास करते चले जाइए। मैं जीव आत्मा, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों की गहराई का अनुभव करें। दो तत्व जुदा जुदा है, भिन्नता का एहसास करें। आत्मा पर, जीव पर अटल श्रद्धा, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा ही नहीं, जो तीनों लोकों में भ्रमण करके भी आया, देवलोकों में जाके आया, मनुष्य बना, पशु पक्षी में गया, सातों नरकों में गया, परंतु वो जीव निर्लिप्त शुद्ध निराकार सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है जी। इसकी परिपूर्णता का एहसास कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, अंग अंग कन कन रोए रोए खून के कतरे कतरे में मंगल की भावना। एक शारण है
धाराम की और शरण नहीं कोई, एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को, सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, सत्य वचन के तेज से सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं। कर्म भी अनंत है, वैसे आठ कर्म है। अनंत कर्मों की परतें हमारे कारमन वर्गना लगी है ऊपर, तभी तो भटक रहे हैं जन्मों जन्म। जैसे रुई का ढेर लगा हो और उसमें चिंगारी लगा दो तो सारा ढेर जल जाता है। शुक्ल ध्यान में इतनी शक्ति है, 48 मिनट शुक्ल ध्यान की धारा चल गई तो केवल ज्ञान हो जाता है, मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है। सबसे बाधा है मोहनीय कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म। अनंत कर्म है और अनंत जन्म मरण हमने किए हैं। एक शुक्ल ध्यान की धारा लग जाए, अभी कहाँ लगती है शुक्ल ध्यान की धारा, अभी एक मिनट भी नहीं लगती। विचार कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं चला जाता है, कभी मन वचन काया की स्थिरता। जब पूरी स्थिरता हो गई 48 मिनट तो कर्म क्षय होने में देर नहीं लगेगी, पर प्रयास करते रहो। चाहे 48 मिनट में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट टुकड़े टुकड़े में लगे तो लगेगा, इसलिए इस धारा को बढ़ाते चले जाओ। शुक्ल ध्यान क्या है? जीव का जीव में स्थित हो जाना। कहीं कोई विचार, संस्कार, धारणा, मन वचन काया बीच में आए ही नहीं। वो धारा अखंड जब बहती है, अनंत सुख का एहसास होता है, गुण प्रकट होने लग जाते हैं। ये शुक्ल ध्यान की धारा, ये ध्यान शुक्ल ध्यान का ही है। प्रयास करते रहो, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मोहनीय कर्म को क्षय करना, देखिए कितना बड़ा मोहनीय कर्म है। जरा सा शरीर में कष्ट हो जाता है, तुरंत वहाँ मन चला जाता है, हाथ चले जाते हैं, मन कहाँ कहाँ भटकता है। कितने मन ने भटकाया है हमें, जन्मों जन्मों से मन ने ही रुलाया है। मन जो कहता है वो करवा लेता है, काया करने लग जाती है। ध्यान करना, कवसक करना सबसे कठिन है। व्यक्ति तप कर लेता है, मान के लिए सब कुछ कर देता है, व्यक्ति धन कमा लेता है, पद पा लेता है, श्री ये सब कुछ किया है, परंतु अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन। मैं आत्मा, जीव आत्मा, इस मूल मंत्र में सब समझ। जीव आत्मा का मतलब अष्ट गुणों की संपदा जो तुम्हारे भीतर है। जीव को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? न मकान, न दुकान, न घर, न कुछ नहीं चाहिए। अकेला जीव, अष्ट गुणों की संपदा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण जीव। जब पुद्गलों के मध्य में जीव शुक्ल ध्यान की धारा में जाता है तो अनंत अनंत कर्म क्षय होते चले जाते हैं। ये धारा लगनी चाहिए, लगती नहीं। पंचम काल बाधक है, परंतु काल तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे, फिर महाविधि में जाओ, भगवान के समसरण में जाओ, शुक्ल ध्यान की धारा को बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा की यही साधन, यही ध्यान शिविर और यही साधना आपको कैवल्य से सिद्ध गति में पहुंचा सकती, और कोई साधना नहीं।
प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। पहली बार सीवर पहली बार अटेंड करे हैं तो इसमें लगा कि अपनी आत्मा के ऊपर कैसे जीना है। जैसे भगवान श्री ने बताया अभी 24 घंटे आप मैं आत्मा जीव हूँ और सबके अंदर एक आत्मा समाई हुई है, हर जीव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, जो भी देखो उसी के अंदर, जो भी रहते अपने होश में रहना है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका आजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।